कैमरा नीचे कर जारी है, मीडिया यहाँ पे मौजूद है और जो टीम है वो अब इस कमरे के अंदर है। उसके बाद हमने देखा कि मेडिकल कैंप में करीब 4 से 5 मिनट सर्च ऑपरेशन होता है। सर्च ऑपरेशन के बाद जो ये टीम जो है खान साहब के जो रेजिडेंशियल गेट था उसे अंदर जांच की है। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, मीडिया अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, मीडिया पर्सन को रोक लिया गया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या रविश है, ये क्या रवैया है। आपने मीडिया को नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है ना वो ऑपरेशन के लिए जमान पार्क में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, ना कोई दहशत गर्द और ना कोई जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ ईशान न्याज़ी विद siyasat.pk। इस वक्त हम जमान पार्क खान साहब की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। जो ताज़ा सूरत हाल है, अभी तक जमान पार्क का ब्लॉकेट जारी है पुलिस की जानिब से। दोनों साइडें जो है कैनाल की वो बंद हैं, और उसके अलावा जो है पुलिस ने इस वक्त जो जमान पार्क खान साहब का पीछे आपको जो मेन गेट नज़र आ रहा होगा, इस मेन गेट का कंट्रोल भी इस वक्त पंजाब पुलिस के पास है। उनके ऑफिसर्स यहाँ पर बाहर मौजूद हैं, और दूसरी जानिब से जो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यहाँ पर एक वकला की बहुत बड़ी तादाद है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, पीछे आप देख सकते हैं ये जो वकला है यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी कोई लीगल कंसेंसस डेवलप होगा उसके मुताबिक इनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनने जो है पुलिस जब आती है सर्च वारंट लेकर तो कानूनी तौर पर ये उनको फेस करेंगे और आगे जो है सर्च ऑपरेशन जारी होगा। अभी फ़िलहाल जो है DC लाहौर की जानिब से ये है कि उनने यहाँ आना है मुज़ाकरात के लिए, इनकी लीगल टीम से मुज़ाकरात तय होने के बाद जो है एक पैरामीटर तय किया जाएगा कि हाउ टू कंडक्ट द सर्च ऑपरेशन। और यहाँ पर अगर आपको दिखा सकूँ तो मीडिया, जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका भी यही है कि जो इस वक्त एक मेन कंसेंसस है, पुलिस भी इस पे एग्री कर चुकी है कि विद इन द कवरेज ऑफ मीडिया, मीडिया कवर कर रहा होगा, जो लीगल टीम है PTI की, जो वकला हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और इन दोनों की मौजूदगी के अंदर ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब ये सर्च ऑपरेशन किस नोयत का होगा, खान साहब के बेडरूम्स तक होगा या कहाँ तक होगा, इसका अभी तक आइडिया नहीं है। पंजाब पुलिस यहाँ पर गेट के ऊपर मौजूद है, सिक्योरिटी उन्हें संभाली हुई है, आते जो भी आ रहा है या जा रहा है उसको जो चेक कर रही है वो पंजाब पुलिस ही कर रही है। इसी तरह जो सूरत हाल है उसके बारे में जैसे ही सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।